खबर बुलंदशहर से है, जहां दूसरे दौर का मतदान जारी है। 17 निकायों में नायक बनाने के लिए मतदान के लिए मुकम्मल तैयारी। 7.11 लाख मतदाता आज करेंगे वोट की चोट। 17 निकायों में 137 अध्यक्ष और 1418 सभासद उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे 7.11 लाख मतदाता। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगा जनपद में स्थानीय निकाय का मतदान। दिव्यांग बुजुर्ग और महिला मतदाताओं के लिए बूथों पर होगी विशेष व्यवस्था। पिंक बूथ पर बेबी ब्रेस्ट फीडिंग और बेबी किड्स एरिया भी बनाया गया है। शिकारपुर में पिंक बूथ पर ईओ नीतू सिंह मतदाताओं के गले में माला पहनाकर स्वागत कर शिकारपुर में पिंक बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। पिंक बूथ पर 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी। सबसे पहले 70 वर्षीय बेगम ने डाला अपना वोट। नगर निकाय चुनाव को लेकर जनपद बलिया की बात कर लेते हैं, जहां आज बलिया जिलाधिकारी रविंद्र कुमार व पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नैयर द्वारा आज हो रहे नगर निकाय चुनाव को सब सकुशल पूर्वक संपन्न कराने हेतु बूथों का निरीक्षण किया गया तथा सुरक्षा में तैनात पुलिस जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। आज जनपद बलिया में नगर निकाय निर्वाचन के अंतर्गत मतदान पड़ रहा है। जनपद के सभी बूथों में मतदान प्रारंभ हो गया है और सभी बूथों में शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। जनता से कोई अपील सर? मैं आज बलिया के समस्त मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, अधिक से अधिक मतदान करें। सर, जो गड़बड़ी फैलाने वालों को लेकर कोई संकेत? देखिए, हम लोगों ने बहुत पहले सभी थाना क्षेत्रों में भी जाके इसकी समीक्षा किया था। चुनाव प्रक्रिया में कोई भी व्यवधान करेगा या कोई भी गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा, बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी और कोई किसी प्रकार की गलतफहमी में ना रहे, चुनाव प्रक्रिया पूरी तरीके से शांतिपूर्वक सम्पन्न कराई जाएगी।